वाराणसी के शहद विदेशों में घोलेगी मिठास। साल भर में करीब 36 टन होता है उत्पादन। वाराणसी के शाहनशाहपुर स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIBR में शहद प्रोसेसिंग इकाई का विस्तार किया जाएगा। यहां प्रोसेसिंग करके शहद को निर्यात के मानक के अनुसार बनाया जाएगा। इससे शहद विदेशों में भेजी जा सकेगी और मधुमक्खी पालकों को फायदा होगा। किसान उत्पादक संगठन के निदेशक पवन सिंह ने बताया कि पहले बड़ा गांव में प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने की योजना थी, लेकिन अब यह सुविधा IIBR में मिलने वाली है। मंडल के करीब 300 से अधिक मधुमक्खी पालन यहां अपने उत्पाद की प्रोसेसिंग कराकर बेच सकेंगे। जिला उद्यान अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि जिले में 75 किसान साल भर में करीब 36 टन शहद का उत्पादन करते हैं। एक बॉक्स 20 से 50 किलो तक शहद सहित मोम पराग और रॉयल जेली का उत्पादन होता है। प्रोसेसिंग ना होने से शहद स्थानीय बाजार में ही बिक पाती है। प्रोसेसिंग के बाद शहद की शुद्धता बढ़ जाएगी और विदेशों में बेची जा सकेगी। IIBR में मामूली शुल्क देकर प्रोसेसिंग की सुविधा दी जाएगी। साथ निर्यात के मानकों के आधार पर पैकिंग भी जाएगी। इसके बाद इसे बाहर निर्यात किया जा सकेगा। प्रोसेसिंग के बाद शहद के जमने की समस्या समाप्त हो जाएगी और इसे ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकेगा।